इसके नीचे जो है गद्दा लगा हुआ है, पलंग दी गई है, डबल पिलोज आपको मिल जाते हैं, और साथ ही साथ इस तरफ आपको मिल जाएगा मिरर। सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको वहाँ सिंगल बेडरूम भी मिल जाएगा, और डबल बेडरूम चाहिए तो वहाँ पे यहाँ पर आप विद फैमिली रह सकते हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, आप इस तरफ देख सकते हैं। यहाँ पड़ोस में ही चार बाग है, इधर कैसर बाग है, मेन मार्केट में है, आप इजीली आ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी मैं हूँ नवाबों के शहर लखनऊ में। जब भी आप किसी दूसरे टाउन में जाते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान आप ज़्यादा रखते हैं। नंबर वन, वो जगह जहाँ पे आप रह सकें, आराम से रह सकें, जहाँ पे आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, और दूसरा कि वहाँ का खाना कैसा हो, क्योंकि ये लखनऊ सिटी है, यहाँ पे लोग दूर दूर से आते रहते हैं। बहुत से लोग एग्ज़ाम देने के लिए, बहुत से लोग घूमने के लिए, और भी किसी काम के लिए लोग यहाँ पे आते रहते हैं, और जब उनकी शाम हो जाती है तो यहाँ रुकने के लिए जगह की तलाश करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ लखनऊ का सबसे चीपेस्ट लॉज, होटल या धर्मशाला, जहाँ पे आप बहुत कम दामों में, एकदम चीपेस्ट रेट में, एक टाइम के खाने के प्राइस में आपको रात भर 24 घंटे रहने की जगह मिलेगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो आपके लिए बहुत ही खास हो जाता है। तो अभी मैं जो खड़ा हूँ वो हूँ अमीनाबाद में, और ये जो आप मेरे पीछे चौक देख रहे हैं, इसे कहा जाता है अमीनाबाद मार्केट का गड़बड़ झाला, और ये पूरा का पूरा चौक है। इस तरफ भी रोड है, इधर भी रोड है, और इधर भी रोड है। ये जो रोड है वो डायरेक्ट यहाँ से चार बाग की तरफ जा रहा है, आपको इसी की लोकेशन में चलना है। इस चौक को क्या कहते हैं? ये अमीनाबाद चौराहा। अमीनाबाद चौराहा है ये, पूरी की पूरी अमीनाबाद मार्केट का एरिया है। और जैसा कि आपको बता दें कि अमीनाबाद का मार्केट बहुत ही पुराना मार्केट है लखनऊ का, 160 साल पुराना मार्केट है यहाँ का, बहुत ही बड़ा मार्केट है। अगर आप लखनऊ आए और अमीनाबाद मार्केट ना घूमें तो यार क्या घूमें। तो ये मैं चल रहा हूँ आगे की तरफ, और बहुत सारे होटल वगैरह आपको मिल जाएंगे। इस तरफ है गोल्ड पैलेस। ये सारे लोकेशन का जो है ना आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें दिक्कत हो जाती है। आपको मैं दोनों साइड का जो सीन दिखा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कि आपको लोकेशन पता हो, आपको पता हो कि यहाँ पहुँचना कैसे है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये मस्जिद का मीनार, ये मीनार आप याद रखिएगा। तो मैं जिस रूट में चल रहा हूँ ये चारबाग जा रहा है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं सुंदर श्याम गिरिराज धरन ज्वेलर्स, और आपके राइट हैंड साइड पे ये जो गली है इसे कहते हैं बतासे वाली गली, काफ़ी फेमस गली है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आप अमीनाबाद चौराहे पे आइए, और ये किसी से भी बोलेंगे बतासे वाली गली जाना है तो आपको यहाँ पर लाकर छोड़ देगा। दोस्तों, अगर आप रेलवे स्टेशन पर भी आ रहे हैं तो आपको चारबाग रेलवे स्टेशन से उतरना है, और यहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल नहीं है। वहाँ से चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतर के आप किसी को भी बोलेंगे कि मुझे अमीनाबाद मार्केट जाना है, आप ऑटो टोटो या रिक्शा कुछ भी ले सकते हैं, 10 to 20 rupees लगता है, आपको यहाँ लाकर छोड़ देगा। लगभग 200 मीटर आपको चलना है उस चौराहे से, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये है वो धर्मशाला, जो सिर्फ नाम का धर्मशाला है लेकिन एकदम लॉज है। ये देख सकते हैं, और इसी धर्मशाले के बगल में इस तरफ मस्जिद भी है। ये बेसिकली एक लॉज जैसा है, यहाँ पे आपको मंदिर वगैरह नहीं है, धर्मशाला में मेनली मंदिर होती है। इस तरफ सबको चढ़ना है, ये सारी दुकानें बनी हुई हैं, आपको अंदर जाना है, सबसे जाना है आपको, यहाँ से राइट लेना है, और ये है वो सीढ़ी जो आपको ऊपर चढ़ना है। तो भाई मैं फाइनली ऊपर आ चुका हूँ, और यही है अपना धर्मशाला। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, आप इस तरफ देख सकते हैं। यहाँ आपके मैनेजर से आपकी बात कर रहा था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया अचित कुमार मिश्रा है। अचित कुमार मिश्रा है जी, कनक कुमार कृष्ण देवी धर्मशाला। अच्छा, धर्मशाला के नाम से फेमस है। कैसरबाग बस अड्डा जो पड़ता है जी, यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे है जी। मेन मार्केट में है, काफ़ी कन्वीनियंट है, लोगों के रुकने के लिए काफ़ी उचित व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। बिल्कुल मेन मार्केट में ये है, आपको अगर यहाँ से इजीली एक्सेस हो जाएगा हर जगह का जी, जहाँ भी आप जाना चाहें, घूमने वाली सारी जगह यहाँ पे पास ही पास हैं। अच्छा, पड़ोस में ही चार बाग है, इधर कैसर बाग है, आपको जैसे मैंने बताया मेन मार्केट में आप इजीली आ सकते हैं, आपको रिक्शा ईजिली मिल जाएगा वहाँ से, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा,
और चार्जेस वगैरह क्या हैं सर? चार्जेस काफ़ी चीप हैं, आप समझ सकते हैं, 200 रुपये रूम का है। आपको मैं रूम दिखा सकता हूँ जी, और 100 रुपये में भी आप रुक सकते हैं आराम से। आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चादर गद्दे वगैरह। 100 रुपये में आपको हॉल में रुकना पड़ेगा, 200 रुपये में आप इजली रूम ले सकते हैं। आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, पानी की, टिफ़िन, आप अगर बोलेंगे तो आपका टिफ़िन भी आ जाएगा। 60 रुपये में आपको खाना अच्छा मिल जाएगा लखनऊ के अंदर। तो भाई सबसे पहले रूम देख लेते हैं। ये इनका रूम देख सकते हैं आप, एज अ डेमो आप देख लीजिए। वाओ, ये रूम है ना? जी भी, आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डबल बेड है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप 3 लोग भी ठहरना चाहते हैं तो भी ठहर सकते हैं, और भी चीपेस्ट आपके लिए हो जाएगा। आप देखिए बेडशीट है, इसके नीचे जो है गद्दा लगा हुआ है, पलंग दी गई है, डबल पिलोज आपको मिल जाते हैं, और साथ ही साथ इस तरफ आपको मिल जाएगा मिरर जो आप देख सकते हैं, और बहुत ही साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रूम है। आप टाउन वगैरह में जाइएगा ना तो आपको बहुत ही नैरो छोटा सा छोटा रूम मिलेगा, लेकिन आप देखिए ना कितना स्पेशियस रूम है। ये जो रूम आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज में, डबल बेड के साथ में। आप देखिए 15x10 का ये रूम है। इस तरफ आपको मिल जाता है ड्रॉर जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। इस तरफ मिल जाएगा आपको स्विच बोर्ड जहाँ पे आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं, और इस तरफ ये सारे रूम वगैरह हैं, देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है। वो भी आप देखिए, बेसिकली जो सस्ती जगह होती हैं वो नीट एंड क्लीन नहीं होती। ये है बड़ा सा हॉल, यहाँ पे सिर्फ आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। अच्छा, तो जैसे आपने देखा है यहाँ पे यात्री रुके हुए हैं जो 100 रुपये दे रहे हैं, और इनके लिए भी उतनी व्यवस्था है, बस आपको रूम नहीं मिल रहा है। बस व्यवस्था सेम ही है, सब व्यवस्था सारी सेम ही है। देखिए आपको तकिया कंबल वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी पंखे भी सारे लगे हुए हैं, यहाँ जैसे रूम में लगे हुए हैं। ले सकते हैं रूम, अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं तो रूम ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में, और अगर आप उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप 100 रुपीज़ में आपको यहाँ पे बेड मिल जाएगा। स्पेशली गर्मी वगैरह में तो आप इसमें आराम से रह सकते हैं। आपको इधर में लॉकर मिल जाएगा, तो ये लॉकर है, ये बहुत बड़ा सा स्पेशियस लॉकर है, और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है। यहाँ पर आप जब बेड लेंगे तो आपको ये लॉकर मिल जाएगा, बहुत ही बड़ा सा। यहाँ पे आप ताला लगा लीजिए, यहाँ पर आप विद फैमिली रह सकते हैं, तो यहाँ पे विद फैमिली भी रह सकते हैं ना जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फैमिली वगैरह आती है हमारे वहाँ, रुकते हैं जी। तो बेसिकली यहाँ फैमिली वगैरह रुकते हैं जी। धर्मशाला इसका नाम है, लेकिन एक्चुअल में ये धर्मशाला लगता नहीं है, क्योंकि बेसिकली हर धर्मशाला में मंदिर वगैरह होती है, लेकिन ये फुल बिल्कुल होटल है। आने से पहले आप आईडी कार्ड लेकर आइए, आधार कार्ड लेकर आइए, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे जगह मिल जाएगी, और उस पर आपका रिलीजन नहीं देखा जाता है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के हो, आपको ईजिली यहाँ पर रूम मिल जाएगा। इस तरफ देख सकते हैं फ्रंट का लोकेशन दोस्तों। ये जो धर्मशाला आपको मैंने दिखाया, इसका नाम था श्री कृष्ण कनक देवी धर्मशाला, और काफ़ी अच्छा धर्मशाला है ये। हालांकि जब आप अमीनाबाद मार्केट में पहुंचते हैं तो आपको कई धर्मशालाएं मिल जाएंगी। एक और धर्मशाला है जिसको छेदी लाल धर्मशाला के नाम से जानते हैं, वहाँ पे वो सबसे बड़ी धर्मशाला है इस पूरे अमीनाबाद की। वहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा रूम देखने को मिलेंगे, और वहाँ का जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का है। अगर आपको एक सेपरेट रूम चाहिए, सिंगल बेडरूम चाहिए, तो सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको वहाँ सिंगल बेडरूम भी मिल जाएगा, और डबल बेडरूम चाहिए तो वहाँ पे 200 रुपीज़ का चार्ज है। और अगर आप मुसाफिर खाना में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी इस्लामिक मुसाफिर खाना है, आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। इसी अमीनाबाद मार्केट में पहुँच कर आप धर्मशाला के बारे में जानना चाहें, वहाँ का एड्रेस आपको मिल जाएगा। आप मुसाफिर खाना जाना चाहें वहाँ भी मिल जाएगा। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहेंगे, मैं कहूँगा कि छेदीलाल धर्मशाला और मुसाफिर खाना उन सबसे सबसे बेस्ट है श्री कृष्ण कनक देवी धर्मशाला, क्योंकि ये बेसिकली धर्मशाला नाम है इसका, धर्मशाला लगता नहीं है, क्योंकि धर्मशाला एक्चुअल में ये नहीं है, बस पूरा का पूरा लॉज है, होटल है, जिसका नाम धर्मशाला रख दिया गया है। तो इजीली आप यहाँ पे रह सकते हैं, और बाकी जो धर्मशाला है वहाँ पे आपको मंदिर देखने को मिलेगी, वो पूरी तरह से मंदिर जैसा बनाया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से होटल जैसा है। तो मैं इस वाले को ज़्यादा प्रीफर करूँगा, अगर मुझे रहना होता तो मैं इसको ज़्यादा प्रीफर करूँगा। तो मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है,
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ के मैनेजर का मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, एड्रेस भी दे दूंगा, और भी जो यहाँ पे धर्मशाला है उनका भी एड्रेस और नाम दे दूंगा आपको, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आपको और भी कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली मेरा मकसद होता है कि आपको किसी भी टाउन में सबसे पहले सबसे चीपेस्ट होटल दिखाऊं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो यूट्यूब पर मेरे चैनल एके वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।